नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्चित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैंने अपना काम कर दिया ये वीडियो बना के, अब आपको अपना काम करना ही है चैनल सब्सक्राइब करके। जितनी जल्दी आप ये चैनल सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी जल्दी और वीडियो आते रहेंगे ओला स्कूटर को लेके। आज जिस टॉपिक के अपन वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने इसको 820 किलोमीटर चला दिया है और मेरे को ये 15 दिन हो गए हैं ये स्कूटर मिले हुए, तो मैं आपको 15 दिन में मेरा एक्सपीरियंस और 810 किलोमीटर में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे को ये स्कूटर कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी के लोगों को शिकायत थी पैनल गैप्स वगैरह, तो मेरे को इतने फील नहीं हुए, या तो हो सकता है मेरा ब्लैक कलर है और इसलिए मेरे को इतने फील नहीं हुए ये इसमें पैनल गैप्स वगैरह, लेकिन ठीक है। बिल्ड क्वालिटी जो प्लास्टिक क्वालिटी अगर आप नॉर्मल कोई भी स्कूटर से कंपेयर करोगे तो बढ़िया है। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा हूँ, अभी कंपटीशन में इतना ज़्यादा स्कूटर नहीं है तो इसका अभी कंपटीशन भी इतना नहीं है। जो नॉर्मल अपने स्कूटर चल रहे हैं एथर वगैरह और जो और तो बाकी सारे चाइनीज़ हैं, उसके कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक लगी। एक दूसरी बात करें तो मेरे को इसकी हैंडलिंग में बहुत सी लोगों को शिकायत थी कि अपने जो खड्डे वगैरह में थोड़ी झटके ज़्यादा लग रहे हैं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है वो स्टिफ हैं थोड़े। इसका बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप हाईवे पर चलाएंगे 70-80 की स्पीड पे तो आपको जितना झटके यहाँ लग रहे हैं उतना ही कॉन्फिडेंस आपको हाईवे पे आएगा। ये बात आप मेरे एक बार चेक करके देख सकते हैं, ये बात मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको कि मेरे को हाईवे पर चलाने पे एकदम ये जम के चलती है 70-80 की स्पीड पे भी, आपको फील नहीं होता कि आप ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो, बहुत मज़ा आता है आपको चलाने पे। बाकी और चलने पे इसका बूट स्पेस बहुत बढ़िया लगा मेरे को। इसके जो डिग्गी में रखने का सामान, आप बहुत सारा सामान रख सकते हो तो ये भी एक चीज़ बढ़िया है। और एक जो इसका है जो डिस्प्ले है, ये जो लॉक अनलॉक होती है, इसमें दो फैक्टर हैं, चाबी नहीं है तो उसका नुकसान भी और फ़ायदे भी हैं। जैसे आप खड़े हो तो आपको ऊपर से चाबी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, चाबी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पासवर्ड डालो और आप स्कूटर लेके अपना निकल सकते हो। इसका नुकसान भी है कि आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है, अगर आपकी स्क्रीन किसी दिन टूट जाए तो हो सकता है स्कूटर भी काम नहीं करे। तो इसमें दोनों पॉइंट हैं, मेरे को दोनों ठीक लगा, नहीं भी ठीक है, कभी कभार लगता है कि चाबी भी होनी चाहिए। और जैसे इसमें एक चीज़ मेरे को लगी, आप ये पासवर्ड डालते हैं तो इसमें आपका फिंगरप्रिंट के मार्क्स भी आ जाते हैं इस चीज़ में, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट, ये मेरे को चीज़ ठीक नहीं लगी। एक जो इसकी नंबर प्लेट है वो हल्की बहुत मुड़ जाती है पैर वगैरह लगने से हल्की सी। बाकी ये स्टैंड वगैरह, ये फुटरेस्ट वगैरह ठीक है, कोई इशू नहीं लगा मेरे को इससे। एक थोड़ा यहाँ पर ग्रैब रेल होनी चाहिए थी पीछे की तरफ, जो बंदा नया बैठता है वो एकदम गाड़ी चलती है तो पीछे की तरफ झुकता है तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ये पीछे की तरफ होनी चाहिए थी जैसे अपने नॉर्मल एक्टिवा वगैरह में आती है। और बाकी चार्जिंग वगैरह की बात करूँ तो एक बार फुल चार्ज होने पर मेरे अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट के आसपास बिजली ले रही है ये, और मेरे किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको आप इसको देखेंगे 30-40 ज़्यादातर 50 की स्पीड पर अगर मैं चलाता हूँ उसको तो मेरे को 90 के आसपास ये किलोमीटर चल रही है। और अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे भी 70-80 पे चलाओगे तो आप ये 10-15 किलोमीटर लेस कर लो, आप इसमें से ये 10-15 किलोमीटर कम चलेगी। जो आप रेंज का देखते हैं ये नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड से नहीं है, ये जितना भी रेंज डिपेंड करता है ये आपकी स्पीड से डिपेंड करता है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं और अगर आप 30-40 की स्पीड में चला रहे हैं और धीरे धीरे गाड़ी को उठा रहे हैं तो आपकी एवरेज बढ़िया देगी है। और मैं इसका आपको एवरेज का बताया था, उसका एवरेज का क्या रहता है कि आपको कैसे एवरेज ज़्यादा देगी है, आप इसको कैसे यूज़ करें। तो अगर आप इसको 30-40 की स्पीड पर चलाएंगे और ब्रेक का कम यूज़ करेंगे, जैसे आपने एकदम से गाड़ी खींची फिर आपको ब्रेक लगाना है, अगर आप ऐसा कम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा एवरेज देगी, और जैसे आप इसका रीजनरेशन यूज़ करेंगे तो भी आपको ये ज़्यादा एवरेज देगी। और जितने अभी तक किलोमीटर मैंने चलाई है उसमें मेरे को स्कूटर में ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि आप मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत ही मेरे कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और जो मैं इससे पहले जुपिटर यूज़ कर रहा था तो मेरे अगर मैं इसको जुपिटर से कंपेयर करूँ तो राइड क्वालिटी में ये बहुत ही बढ़िया है और हाईवे में तो इसको चला के मज़ा आ गया। अगर आपने अभी तक इसको लॉन्ग रूट पे और एक बार हाईवे पे नहीं चलाई है तो आप एक बार इसको चला के देखें 30-40 किलोमीटर, जो मैं बात बोल रहा हूँ आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। बाकी अपन ये देखें तो ये भी इसकी ग्रिप वगैरह भी थोड़ी मोटी है, ये बढ़िया है, फील बढ़िया आता है जो गाड़ी की जो हैवी, आपको फील आता है कि थोड़ी गाड़ी हैवी है, बढ़िया है और चाइनीज़ गाड़ी की तरह फील नहीं है इसका। और ये जो सीट है ये भी थोड़ी ब्रॉड है तो ये भी चीज़ बढ़िया है, लेकिन इसमें एक चीज़ भी है, जो सीट की जो गैप है ये थोड़ा कम है,
तो जो आगे पीछे वाले बैठते हैं वो थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाते जितना एक्टिवा वगैरह में होते हैं। और एक मेरे को इसका लगा, ये लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं है, कम से कम बाकी एसेसरीज़ नहीं तो ये तो होनी चाहिए थी, तो मैंडेटरी थी। घर में आपके अगर लेडीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए आपको इनकन्वीनियंस रहेगी, अगर आपके पास दूसरा स्कूटर नहीं है तो आप इन पर लेके नहीं जा सकते साड़ी पहन के। बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह ब्रेकिंग वगैरह मेरे को बढ़िया लगे, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने नॉर्मल सिटी में चल रहे हैं छोटे वगैरह खड्डे होते हैं उसमें थोड़ा आपको फील होता है सस्पेंशन का, लेकिन वही अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो आप उसको आपको उसका अपोजिट है। और इसके शॉकर भी थोड़े अलग टाइप के दिए हुए हैं, ये आप देखिए सिंगल आर्म है और एक ये कोई जैसे गाड़ी में होता है बेल्ट वगैरह उस टाइप का दिया हुआ है जो आपके इस हैंडल को मोड़ता है। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और इसके जो अलॉय वगैरह है टायर वगैरह है ये भी मेरे को बहुत बढ़िया लगे, MRF के जिपर टायर दिए गए हैं। अगर कॉस्ट कटिंग करना चाहते तो उसमें भी कर सकते थे ये, लेकिन ये क्वालिटी बढ़िया दी गई है। और जो अलॉय भी देखेंगे ये भी काफ़ी हैवी है, अच्छे खासे मेटल के हैं ये, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। ये आप देखेंगे इसकी ये मोटर प्लेसमेंट है और यहाँ पर कोई इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दिए हुए हैं। ये जो आप मोटर देख रहे हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर कोई इन्होंने शाफ्ट बना के कनेक्ट करा है, कोई बेल्ट ड्राइव वगैरह नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बेल्ट वगैरह नहीं है इसमें, तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत बढ़िया लगी। बाकी तो और रिव्यू मैं आपसे शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे मैं स्कूटर को यूज़ करूँगा। अब मैं आपको 2-3 हज़ार किलोमीटर पर बताता रहूँगा कि मेरे को स्कूटर में क्या कमियाँ लगी, क्या बढ़िया बात। बाकी अभी ओवरऑल मैं इस स्कूटर से सेटिस्फाइड हूँ, उसको लेने के बाद कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि इसकी रेंज वगैरह भी कम होती है कि टाइम के हिसाब से, जैसे यूज़ के हिसाब से होता है। और इसके चार्जिंग में टाइम बताऊँ तो मेरे को 4.5 घंटे के आसपास लगते हैं फुल चार्ज होने पर स्कूटर ये। बाकी स्कूटर ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगा, तो आप इसको ले सकते हैं स्कूटर को, कोई बुराई नहीं है लेने में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कूटर के बारे में, तो मैं आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।